मुंबई में लोकल सेवा शुरू करके जिन व्यक्तियों के कोरोना के दो डोज पूरे हुए उनको रेलवे में सफर करने की अनुमति दी जाए, इस मांग को लेकर उत्तर मुंबई में भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया गया। बोरिवली विधानसभेचे सर्व पदाधिकारी मागे बाबा सिंह आहेत, त्यांच्याशी संपर्क साधून शरद चट्टम उभे आहेत। त्या ठिकाणी आपण भारतीय जनता पक्ष के विधायक और विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर की मौजूदगी में उत्तर मुंबई में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रवीण दरेकर ने मांग की कि कोरोना के कारण पहले ही आम लोगों की कमर टूट गई है, जिसे देखते हुए जिन लोगों के कोरोना के दो टीके पूरे हो गए हैं उन्हें रेलवे यानी लोकल में सफर करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी जाए। यही नहीं, आम जनता टैक्सी और ऑटो का किराया रोजाना नहीं दे सकती है, जिसके कारण राज्य सरकार इस बात को जल्द समझे और रेलवे में सफर करने की अनुमति दे। ऐसी मांग प्रवीण दरेकर ने की। हमारी सीधी साधी मांग है, जिनके दो लसीकरण के डोज हुए हैं उनको रेलवे से प्रवास करने की मुभा दे, क्योंकि आर्थिक दृष्टिया आज ये सर्वसामान्य आदमी प्रवासी बेजार हो गया है, क्योंकि जॉब पे नहीं जा सकता है, काम धंधा बंद है, बस से जाना तो 3 घंटा लगता है, टैक्सी करेगा तो 500 से 700-800 रुपये लगता है, तो कहाँ से लाएगा? अगर लसीकरण हुआ है तो उनको अलाउड करने की जरूरत है ना, नियोजन करो प्रॉपर। यही हमारी सीधी साधी मांग है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन खड़ा किया।